हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अभी मायके में और सुबह के बज रहे हैं 10 और हम लोगों का प्लान बनाया कि हम हल्द्वानी उत्थान मंच में मेला देखने जाएं। उत्तरायणी का कौतिक, उत्तराखंड का लोक पर्व घुघुती त्योहार आने वाला है, तो उत्तरायणी कौतिक लगा हुआ है। हम लोग सब कौतिक में जा रहे हैं अभी फिलहाल। यहाँ पे पैदल जा रहे हैं। यहाँ से हमें कुछ ऑटो लेना पड़ेगा, तो फिर ऑटो में जाएंगे क्योंकि हस्बैंड लोग तो हैं हमारे घर में, ससुराल में, यानी कि हम लोग हैं मायके में। सो हम इंजॉय करने जा रहे हैं, मैं एंड मेरी सिस्टर और हमारे बच्चे। बच्चों की बहुत सारी जिद थी कि चलो। ये है पूजा खानी, ये भी उत्तरायणी कौतिक के लिए तैयार है। उसके बाद हम दिखाते हैं कितना अच्छा कौतिक लगा हुआ है पहुँचने के बाद। बहुत ही अच्छा। तो कैसी फीलिंग आती है दक्षु को झूले में बैठना है? ये दक्षु की जिद थी कि उसे कौतिक देखना है नानी के घर का यहाँ, तो मैं इससे लेके जा रही हूँ। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आप सभी को भी दिखाएंगे उत्तरायणी कौतिक में क्या क्या मिलता है और वहाँ पे हम कैसे इंजॉय करते हैं। आप भी आना। ओके गाइस, देख सकते हैं अमृतपुर में बेर कितने लगे हुए हैं। ये देखिए कितने सारे बेर लगे हुए हैं, बेरों का सीजन है। और पूजा तो तोड़ने भी लग गई है बेर। तोड़ो। हम पहुंचने वाले हैं हीरानगर, घर भी आया है, बस 5 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे मेला हीरानगर उत्थान मंच। हम आते हैं, ये नींबू पहाड़ी नींबू पहाड़ी दाल। बेबी शो प्रोग्राम, दक्षु के ये है हाल। देखो जरा ऊपर कितनी चढ़ाई है, सबसे ऊपर खड़ा हुआ है। ये भाभी खा रही है भेलपूरी, इनको यही अच्छा लगता है। बल पूजा भी जलेबी खा रही है। ये है, मैं भी ये भेलपूरी खा रही हूँ फिलहाल। तो यहाँ है पीसी नून, क्या क्या है, नमक वमक क्या क्या, सब पहाड़ी आइटम आए हैं यहाँ। बैठे ड्रैगन वाले झूले में पूर्वा पूजा मासी एनु भी बैठ गए हैं। अब देखो अगर उड़ के नीचे मत जाना बस तुम, और जो भी करोगे नीचे गिरेगा तो सीधे नीचे गिरेगा। उत्तरायणी कौतिक, ये उत्तरायणी कौतिक में आया है स्पेशल ग्रीन टी। कहाँ से बनाया भैया ये?
कहाँ की है वैसे? ये हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब हम पैकिंग कर रहे हैं बेसिकली रौसिला हेड़ागान रोड पे। बट जो हमारी हर्ब्स आती हैं वो मुंशियारी, पिथौरागढ़, मुक्तेश्वर, रानीखेत वगैरह से आती हैं, और जो हमारी ग्रीन टी आती है वो असम से आती है। ये भैया हमें टेस्ट करके भी दिखा रहे हैं, तभी आप लो बोल रहे हैं। और ये हनी भी रखा है यहाँ पे इन्होंने, ये है पहाड़ की भटकी दाल, भूमि हिल नेचुरल्स का। ये है स्पेशल ग्रीन टी, ये कौन सी वाली थी? किया चाय हमने आपने बोला था मुझे बताने की। अच्छा ये वाली किया चाय। ये है अचार, राजस्थान का अचार है, लहसुन का, ये लहसुन की चटनी है, ये मिर्च का अचार है। आप राजस्थान से हो भैया? जी बिल्कुल। अच्छा कहाँ है मेरा अचार? मैंने भी लहसुन का अचार पैक करवा लिया, दो पैकेट। हेल्दी आइटम है शकरकंद चाट, ये है शकरकंद। और पूजा और अनाया बैठे हैं ऑटो में, दक्षु चले गया अपने घर, एनु आ गया मेरे साथ, ये भाभी। अब हम घर को जा रहे हैं। हाय गाइस, तो फिर हम आ चुके अपने घर में, मेला घूम के आ गए हैं, काफ़ी इंजॉय किया हमने मेले में, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे घूम के, और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा। मेले से लेके आई थी मेरे मक्के के बिस्किट, जो कि हमने पूरा पैकेट खा लिया है, काफ़ी टेस्टी बिस्किट है मक्के के। और ये मडुए के बिस्किट भी लेके आई थी मैं, इसका टेस्ट अभी बतानी है, इसका टेस्ट भी हम करेंगे कैसा है। और क्या लाई थी और सामान दिखाते हैं। ये है ग्रीन टी, एक ग्रीन टी ये है जिसके बारे में मैंने ब्लॉग में बताया भी था वो भैया ने। अपने डॉगी के लिए डॉग फूड दे के आई हूँ, बेल्ट मिल रही थी, अच्छी लग रही थी मुझे ये बेल्ट, ये एक बेल्ट भी उठा के ले आई मैं डॉगी के लिए। एक बोन लेके आई हूँ, मिल्क बोन। और ये है राजस्थान का लहसुन का अचार, लहसुन का अचार भी लेके आई हूँ वहाँ से, एक पैकेट मम्मी के लिए भी लेके आई थी, उसे दे दिया मैंने। और क्या लाई थी, ऊन के ग्लव्स लेके आई, टोपी लेके आई है कि स्कार्फ, मफलर वाली टोपी, 100 के 3 जोड़े सॉक्स मिल रहे थे ये भी उठा लाई। और सबसे मेन है ये गोहत की दाल, पहाड़ी गोहत की दाल, ये मैंने सफाई करने के लिए थाम पे थाली में डाला हुआ है, इसकी थोड़ा सा ये जो कूड़ा कचरा है ये इसको साफ कर लेंगे, बहुत टेस्टी दाल होती है इसकी। गजक भी लेके आई, ये देख, और तो हम पहाड़ी हुई है, हमें ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, ये देख सकते हैं। और एक टोपी ये लेके आई हूँ, कैसी लग रही है ये पहाड़ी, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए ली हुई है, ये पूजा ने अपने लिए ली है। और अभी हम फिर से मायके में आ गए हैं, वहाँ पे तो बच्चे भी मिल गए थे, घर से बच्चे भी आए थे, तो अभी हम मायके में आ चुके हैं। अभी ये गजक है, मायके आ गया, कल को हमें अपने घर जाना है, तो काफी इंजॉय कर लिया हमने आज। सो गाइज, आप सभी को उत्तरायणी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, और कल को मुझे जाना है अपने घर, अपने ससुराल, यानी कि मायके में खूब इंजॉय कर लिया है, मेला भी घूम के आ गए हैं। और आपको मेले की ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अगर कभी मौका मिले तो मैं आपके साथ अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो शेयर करूंगी, अपने एंजॉय की और घूमने फिरने की वीडियो। और परसों का है गुगतिया त्यौहार, हो सके तो अगर मैं टाइम मिलेगा तो मैं उसकी भी वीडियो बना के जरूर अपलोड करूंगी। तो बाय बाय, थैंक यू, आज हम और एंजॉय करते हैं यहाँ पे, बाय।